हिमाचल प्रदेश में फर्जी बीपीएल धारकों को सूचियों से बाहर करने के लिए काम किया जा रहा है और सरकार एसडीएम के माध्यम से पड़ताल की जा रही है। वहीं अब तक प्रदेश में 150 से ज्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बड़सर के लोहारली में जनमंच कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फर्जी बीपीएल धारकों को कतई नहीं बख्शा जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के द्वारा दीपावली के मौके पर 100 ग्राम चीनी दिए जाने के बयानों पर कहा कि 100 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में जनता को गुमराह कर रही है। लोहारली में जनमंच के दौरान क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों कलवाल, रैली जजरी, दवीरी, बड़ाग्राम, जमली, चकमो और समहला के लोगों की 58 समस्याओं की सुनवाई की गई। इसमें से 38 समस्याएं जनमंच से पहले प्राप्त हुई थी, जबकि 20 समस्याएं लोगों ने मौके पर ही खाद्य मंत्री के समक्ष रखी। इनमें से अधिकांश समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य जन समस्याओं के अतिशीघ्र निपटारे के लिए राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए तथा इनकी रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा। जनमंच के दौरान लोगों के कई प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मौके पर ही तैयार किए गए। स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग ने जांच शिविर भी लगाया। आज 38 समस्याएं ऐसी थी जो पहले से निर्धारित थी, इनके बारे में लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद लगभग 16 समस्याएं और उसमें आई जो आज ही रजिस्टर्ड हुई है, और हमने सभी समस्याओं का समाधान किया है। और जो कुछ जिसमें कोई कानूनी पेचीदगियाँ थी उसके लिए डीसी साहब और एसडीएम साहब को मैं अधिकृत किया है। देखिए अभी प्रयास चल रहा है, पोर्टल पे हमने नाम लिए हैं और उनको इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अभी ये कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन लोग सरकार के माध्यम से इंडस्ट्रीज एरिया जो हमारे हैं वहाँ उनको काम दिलाने का काम कर रही है। और उसके अलावा जो हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है उसके तहत जो है हमारे युवा साथी हैं उनको रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए उनकी जो भी प्रोजेक्ट सपोर्ट्स हैं उसके आधार पर उनको सब्सिडी बैंक से ऋण दिलाकर जो है वो प्रदेश के अंदर काम चला हुआ है। देखिए जितने भी लोग हमारे सामने अभी लगभग 150 के आसपास लोग इस सूची में शामिल हुए और 1 लाख यानी जो 150 लोग हैं उसमें से लगभग 30 लाख रुपए रिकवरी हम कर चुके हैं राउंड अबाउट। और उसके लिए ये तो रिकवरी हुई, लेकिन ये लोग कैसे गलत रूप से वहाँ रजिस्टर हुए बीपीएल में या अंत्योदय में, इसकी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे एसटीएम्स हैं उनके माध्यम से पड़ताल करेंगे पहले, और वो पड़ताल चली हुई है, जल्दी इसका काम पूरा होने वाला है और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कानून के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सर शामिल किए जाएंगे जो भी होगा उसमें जो इंक्वायरी में पाए जाएंगे। दिवाली पर 100 ग्राम चीनी के कोटे को दिए जाने वाले बयानों पर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस बिना वजह से इस मामले पर जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि एक परिवार को 100 ग्राम नहीं अपितु 100 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी दी जा रही है। 100 ग्राम चीनी जो है देने का जो प्रस्ताव है 100 ग्राम का वो पर व्यक्ति है। एक व्यक्ति एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो आधा किलो है। ये गुमराह कर रहे हैं लोग, 100 ग्राम पर व्यक्ति के हिसाब से है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। महंगाई को लेकर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि डिपो में मिलने वाली दालों के दाम 5-5 रुपए कम हुए हैं, लेकिन विपक्ष के लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवार बालों के सामान में कोई भी दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। देखिए दालों के दाम 5 रुपए, मूंग की दाल है 5 रुपए कम हुए पहले से, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष के लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 5 रुपए कम हुए और मलका की दाल पर 3 रुपए बढ़े, लेकिन जो बढ़ोतरी है केवल एपीएल के है के लिए और बीपीएल के जो हमारे परिवार हैं उनके लिए किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है। और कुल मिलाकर जोड़ घटाव करेंगे तो भी 2 रुपए का फ़ायदा जो है इसमें सबको है, नुकसान नहीं है फ़ायदा है। सरकार का कोई रोल नहीं, सरकार ने तो आह्वान किया है
कि हों, लेकिन ये किसी को जबरदस्ती तो नहीं कहा कि आप अपनी पंचायत को बीपीएल मुक्त कीजिए। वो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों का अपना उनका निर्णय है, किस आधार पर किया होगा वो तो वही बता सकते हैं जहाँ हुआ है। लेकिन जो ऐसे मामले आए हैं सरकार के अधीन, उनको रिस्टोर करने के लिए हमने कहा है। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने राजेंद्र गर्ग का स्वागत किया तथा जन समस्याओं के निवारण के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कमल नयन शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, अन्य पदाधिकारी, उपायुक्त देवश्वेता बनेक, एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन और सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।